छोटी छोटी कहानियां सिखाती बड़ी बड़ी बातें। आज की कहानी बबलू की है। बबलू की हो गई शादी। बबलू की पत्नी देखने में बहुत सुंदर नहीं, ठीक ठाक, लेकिन बबलू की पत्नी को मेकअप का बहुत भारी शौक। अपनी खामियों को छिपाने के लिए बहुत सारा मेकअप करती थी और मेकअप करने के बाद सुंदर लगने लगती थी सबको, अपने आप को भी। और बबलू की पत्नी रोज सुबह, दोपहर और शाम मेकअप में अच्छा खासा वक्त लगाती थी और स्वाभाविक है मेकअप में अच्छा खासा खर्च करती थी। 6 महीने हो गए, बबलू हो गए परेशान। एक मित्र से मिले 6 महीने के बाद। बबलू बोले, अरे यार, मैं तो अपनी बीबी के मेकअप से बहुत परेशान हो गया हूं। मित्र ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? बबलू बोला, अरे क्या बताऊं, इतना मेकअप करती है कि अब मेरे से मेकअप का खर्च सहन नहीं होता, मेकअप का खर्च बर्दाश्त नहीं होता। तो मित्र ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेकअप का खर्च कम कर दो, मेकअप कम करने के लिए बोलो, इतना मेकअप पर खर्च करने की क्या जरूरत है? बबलू बोला, अरे यार, तुम नहीं समझोगे, यदि मेरी पत्नी ने मेकअप नहीं किया तो मैं उसके चेहरे को सहन नहीं कर सकता, मैं उसके चेहरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बबलू दोनों बाजू से परेशान। इसको कहते हैं catch-22 सिचुएशन। न तो मैं इधर जा सकता हूं, न तो मैं इधर आ सकता हूं। लेकिन हम सीखते हैं यह प्रॉब्लम है क्यों। यह प्रॉब्लम इसलिए है कि हमें जिस तरह भगवान ने बनाया है हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों हम जैसे हैं वैसे अपने आप को स्वीकार नहीं करें? सेल्फ एक्सेप्टेंस यदि नहीं किया तो मानसिक तकलीफ होगी, मानसिक परेशानियां होगी। अपने आप को स्वीकार करें, हम भगवान के यूनिक क्रिएशन हैं, ये मान करके चले। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये जरूरी नहीं है, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं ये जरूरी है। दूसरी सीख, संबंध शरीर का नहीं, संबंध मन का बनाएं, क्योंकि मन का संबंध ही जीवन है। 365 कहानियों के इस दौर में अगली कहानी में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।